तो भाई नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? बॉलीवुड में नेपोटिज्म भर भर कर है। आपको पता होगा स्टार किड्स को ही प्रमोट किया जाता है, और स्टार किड्स को प्रमोट करने वाले भैया जो हैं वो करण जौहर हैं और एक सलमान खान। नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म होता है अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने चाहने वालों को प्रमोट करना बजाय किसी डिज़र्विंग स्टार के। डिज़र्विंग स्टार वो स्टार होते हैं जो अपने मन बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, जैसे अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत जो कि हमारे बीच में नहीं है, और SRK यानी कि शाहरुख खान। वहीं बात की जाए जब नेपोटिज्म की, तो नेपोटिज्म में आते हैं सलमान खान जो बाप दादा के दम पर फिल्मों में आए, स्टार बने और राज कर रहे हैं इंडस्ट्री पर। जब दिल करता है किसी को भी नेपोटाइज कर देते हैं, अगर कोई इनकी बात ना माने तो इन्हें बैन कर दिया जाता है। तो भाई ये मतलब होता है नेपोटिज्म का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी अपने चाहने वाले को प्रमोट करना। और बाकी आपको पता ही है, और नेपोटिज्म का कई लोग शिकार हो चुके हैं जो अब केस कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी दुखद घटनाएं कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है इस नेपोटिज्म के खिलाफ, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये सुसाइड नहीं मर्डर है। और देखा होगा आपने 3 Idiots फिल्म में किस तरीके से भाई साहब एक जो है स्टूडेंट होता है वो आत्महत्या कर लेता है फांसी पर लटक कर, और फिर आमिर खान उस टीचर से कहता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। तो यहाँ पर जो है इसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सलमान खान को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, और करण जौहर जो कि एक अहम भूमिका निभाते हैं इनके काम में। आप सोचते होंगे यार ये स्टार किड्स इतने फेमस कैसे हो जाते हैं, ये इन्हीं की मेहरबानी है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और सिर्फ स्टार्स के बेटों को, स्टार्स की बेटियों को ही प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हमने देखा वरुण धवन, आलिया भट्ट जो कि पहले से स्टार किड के बेटे हैं, डायरेक्टर्स के बेटे हैं, उनको प्रमोट किया, उनकी बेटियों को प्रमोट किया। और सलमान खान भाईजान, ये भाईजान जो है उन्हीं को प्रमोट करते हैं जो इनके लिए काम करते हैं। अगर कोई चूली करता है तो उनको वो इंडस्ट्री से ही बैन कर देते हैं। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेपोटिज्म क्या मतलब है, नेपोटिज्म इतना क्यों फैल रखा है बॉलीवुड में। उसका कारण यही है कि यार प्योर टैलेंट को कदर नहीं की जाती, जो बढ़िया रोल करते हैं उनको कोई कदर नहीं करता, क्योंकि वो बस किसी के बेटे नहीं है, किसी स्टार किड के बेटे नहीं है, किसी डायरेक्टर के बेटे नहीं है, वो बस एक छोटे गांव से आए थे जिन्होंने नाम कमाया और प्रसिद्ध होना चाहा, तो लोगों ने उन्हें बॉयकॉट किया। लोग बेचारे भोले हैं, वो तो महानगरी की चकाचौंध में बिजी हैं, उनको नहीं पता कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो है इतने डिप्रेस्ड हो गए थे 6 महीने से कि उन्होंने नेपोटिज्म के चक्कर में खुद को ही मार डाला। और काफ़ी लोग ये भी बता रहे थे कि भाई उनको कई सारी मूवीज़ में रोल मिलने वाले थे जो उनको नहीं मिल पाए, क्यों? नेपोटिज्म की वजह से। जो रोल उनको मिलने वाले थे वो मिल गए किसी ऐसे स्टार किड को जो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं थे। तो भाई आप सोचो, आपके पास राजा की गद्दी दे दी जाए और आपसे अचानक से छीन ली जाए और आपको भिखारी का कटोरा थमा दिया जाए, तो आपका क्या हाल होगा? आप टूट जाओगे बिल्कुल। और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ही हुआ। तो भाई सबसे बड़े शिकार जो नेपोटिज्म के थे वो सुशांत सिंह राजपूत थे। तो ये है भाई नेपोटिज्म का मतलब, जो आपको आज पता चल गया। लाइक के लिए नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो इन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से नेपोटिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से जो है एक नई पहल छिड़ गई है कि नेपोटिज्म के बारे में अब लोग चुप नहीं रहते, अब वो उनके खिलाफ़ सख्त कदम उठाते हैं।